मान्यवर संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जब बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकती है भैया? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे, आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से, ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रशिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रशिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर ये मुझे क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर इनको ये ठीक नहीं लगता। माननीय चिदंबरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई। भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं, आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है, हमारे कम से कम सातों सात संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए, यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चक्के चक्के बोल सकते, किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? माननीय मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार है। मान्यवर किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर 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 मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे, मान्यवर नहीं सुन पाएंगे।